स्टूडेंट वेलकम इन आवर एसएससी क्लास आई एम माधुरी भारद्वाज आई एम एसएससी टीचर टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू ऑब्जर्व द टाइप ऑफ द ट्री? क्या आपने कभी जो ट्री है उनके टाइप को ऑब्जर्व किया है? बुशेज, ग्रासेस एंड बर्ड्स इन द फील्ड एंड पार्क इन द अराउंड स्कूल। मतलब आपके स्कूल के चारों तरफ जो पेड़, घास हैं, ग्रासेस हैं और जो बर्ड्स हैं उनको आपने नोटिस किया है? आर यू सिमिलर, आर दे सिमिलर एंड देयर आर द वेरिएशन? क्या वो सब एक जैसे दिखाई देते हैं? नहीं। क्या उनमें वेरिएशन है? तो हाँ, उनमें वेरिएशन पाया जाता है। इंडिया बीइंग अ वेस्ट कंट्री, यू कैन इमेजिन द टाइप ऑफ द बायोफॉर्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री। तो हमारी कंट्री के जितने भी बायोफॉर्म्स हैं पूरी कंट्री के, उनके बारे में पढ़ेंगे। वो कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्रीज। हमारी जो कंट्री है उसमें 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज पाई जाती हैं द वर्ल्ड विद अबाउट द 47,000 प्लांट। लगभग उसमें 47,000 प्लांट की स्पीसीज पाई जाती हैं। एंड इंडिया ऑक्यूपाई द 10th प्लेस इन द वर्ल्ड। और जो इंडिया है उसकी 10th प्लेस है पूरे वर्ल्ड में। द एशिया टू प्लांट डाइवर्सिटी, देयर आर अबाउट द 15,000 फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पर लगभग जो 15,000 फ्लावरिंग प्लांट हैं वो पाए जाते हैं। विच अकाउंट फॉर द 6% ऑफ द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड के 6% टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के हैं। द कंट्री हैज मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट सच एज द फर्न, एल्गी, फंजाई। इंडिया ऑल्सो द अप्रोक्सीमेटली द 90,000 स्पीसीज ऑफ द एनिमल एज वेल एज द रिच वेराइटी ऑफ द फिशेज इन द फ्रेश और द मैराइन वाटर। हम देखेंगे कि कुछ फर्न की वैराइटीज़ हैं, कुछ एल्गी की वैराइटीज़ हैं और हमारी जो इंडिया है उसमें लगभग 90,000 जो स्पीसीज हैं वो एनिमल की स्पीसीज पाई जाती हैं और फिशेज की भी बहुत सारी वैराइटीज़ पाई जाती हैं, जिसमें फ्रेश वाटर फिशेज और मैराइन वाटर फिशेज दोनों प्रकार की फिशेज होती हैं। नेचुरल वेजिटेशन रिफर टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट द ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय द ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दिस इज द टर्म एज अ वर्जिन वेजिटेशन। द कल्टिवेशन क्रॉप एंड द फ्रूट्स ऑर्चर्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ द वेजिटेशन बट नॉट नेचुरली वेजिटेशन। यदि हम नेचुरल वेजिटेशन को देखें तो प्लांट कम्युनिटी है वो नेचुरल वेजिटेशन को बिलोंग करती है और वो नेचुरली ग्रो होती है और ह्यूमन बीइंग जो है वो उससे लाभ उठाते हैं। और कुछ हम देखेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचुरल वेजिटेशन को यूज़ तो करता है और लॉन्ग टाइम के लिए उसको डिस्टर्ब भी कर देता है और इसे वर्जिन वेजिटेशन कहा जाता है। हम कुछ ऐसी क्रॉप देखेंगे जो कि ह्यूमन बींग जो है वो कल्टीवेट करते हैं अपने खाने के लिए। फ्रूट्स उन्हें प्राप्त होते हैं, ऑर्चिड प्राप्त होते हैं, कुछ वेजिटेबल प्राप्त होती हैं, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए, इनका यूज़ करने के लिए जो एनिमल है वो ह्यूमन बींग है वो इनको ग्रो करता है। द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट द प्लांट ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। जो फ्लोरा वर्ड है उसका यूज़ प्लांट की स्पीसीज के लिए किया जाता है एंड रीजन अ पीरियड। सिमिलरली द स्पीसीज ऑफ द एनिमल आर रेफर टू एज अ फना। और जो एनिमल की स्पीसीज है उसके लिए फना वर्ड का यूज़ किया जाता है। दिस इज द ह्यूज डाइवर्सिटी इन द फ्लोरा एंड द फना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन। जो लैंड है वो नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डू यू एक्सेप्ट द सेम टाइप ऑफ द वेजिटेशन। क्या आप एक ही प्रकार के वेजिटेशन को एक्सेप्ट करते हो? द माउंटेनस प्लेट्यूज एंड द प्लांट एरियाज और द ड्राई और द वेट रीजन। कुछ तो ड्राई एरिया में होते हैं, कुछ वेट एरिया में होते हैं। द नेचुरल एंड द लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ द वेजिटेशन। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू द एग्रीकल्चर। जो फर्टाइल है वो एग्रीकल्चर के लिए डिवोटेड है। द अनड्यूलेटिंग एंड द रफ टेरेन्स आर द एरिया वेयर द ग्रास लैंड एंड द वुड लैंड डेवलप एंड गिव द शेल्टर टू द वेराइटी ऑफ वर्ल्ड लाइफ। और यही जो है वो वर्ल्ड लाइफ को शेल्टर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है सॉइल। द सॉइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। जो सॉइल है वो बहुत, उसका स्पेस भी काफ़ी ओवर है। डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉइल प्रोवाइडेड द बेसिक ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द वेजिटेशन।
डिफरेंट टाइप की जो सॉइल है, डिफरेंट टाइप का वेजिटेशन होता है वहाँ पर। द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्टेड टू द कैक्टस, जो सैंडी सॉइल है वो कैक्टस को सपोर्ट करती है। एंड द थ्रोनी बुशेस वाइल द वेट मर्शी डेल्टिक सॉइल सपोर्ट टू द मैंग्रोव एंड द डेल्टा वेजिटेशन। द हिल स्लोप एंड द सम डीप ऑफ द सॉइल हैव कम टू द कॉनिकल ट्रीज। क्लाइमेट टेम्परेचर, क्लाइमेट में हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। द कैरेक्टर एंड द एक्सटेंट ऑफ द वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर अलोंग विद द ह्यूमिडिटी इन द एयर एंड द पार्टिसिपेशन इन द सॉइल ऑन द स्लोप एंड द हिमालयाज आर द हिल एंड द पेनिनसुला अबव द हाइट ऑफ द 915 meters। द फॉल द टेम्परेचर अफेक्ट एंड टाइप ऑफ द वेजिटेशन इन द ग्रोथ एंड द चेंजेस इट फॉर्म द टिपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर इन अल्पाइन वेजिटेशन। यदि हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखें वेजिटेशन के, तो मेनली इसको जो टेम्परेचर है और जो ह्यूमिडिटी है वो इफेक्ट करती है, और जो प्रेसिपिटेशन है वो भी इफेक्ट करता है। जो हिमालय है वहाँ पर पेनिनसुलर में जो हाइट है वो 915 मीटर की हाइट है, और वहाँ से जो टेम्परेचर है वो फॉल होने स्टार्ट हो जाता है, और इसका इफेक्ट पूरे वेजिटेशन की ग्रोथ के ऊपर पड़ता है। और ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर में और अल्पाइन वेजिटेशन में चेंज होते जाता है। इट्स एनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।